हेलो लिब्रा आज हम करने वाले हैं आपकी जनरल लव एंड रोमांस रीडिंग तो ये बताने वाली है आपको नेक्स्ट थ्री मंथ्स कैसे रहने वाले हैं टाइमलेस रीडिंग है जब कभी भी देखोगे उसके आगे के नेक्स्ट थ्री मंथ्स की ये रीडिंग है एंड लेट्स सी जनरल रिलेशनशिप की एनर्जी निकालेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग आपकी फीलिंग एंड सिचुएशन जैसे टर्न होती जाएगी एज पर कार्ड्स वैसे क्लैरिफायर्स भी डेफिनेटली निकालेंगे लिब्रा तो लिब्रा ओके फर्स्ट तीन कार्ड्स एनर्जी की रीडिंग तो आ गई है मुझे फ्रेंडशिप की एनर्जी है विश अच्छा चार कार्ड्स हैं वेट सैडनेस तीन कार्ड्स हैं यहां पे ऑलरेडी हम्म और ये है वेट तो यहाँ पे एक रोमांस की बात हो रही है जो बचपन से चला आ रहा है क्योंकि मेरे पास है सिक्स ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक ओके बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ सोड्स इससे पहले मैं कुछ कहूं यहाँ पे मुझे ऑलरेडी रीडिंग इंटेंसिफाई होती हुई हो, दिखाई पड़ रही है विथ थ्री ऑफ सोर्ड्स हेयर एंड बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस सिचुएशन को पेनफुल है ऑल दैट जो भी मतलब ये रीडिंग मुझे बता रही है कि एक सैडनेस है कोई विश यहाँ पे है आपकी इन पार्टनर के साथ बहुत इनोसेंट बहुत रोमांटिक बहुत चाइल्डलाइक रोमांस था ये है था मैं अभी से नहीं कहूंगी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है यहां पे थ्री ऑफ सोर्ड्स अभी मुझे सामने नहीं दिखा है बॉटम ऑफ द डेक की मतलब ये ऑल ओवर एनर्जी है हार्ट ब्रेक ब्रेक की एनर्जी है ऐसा लग रहा है आपको या आपके पार्टनर को और इसका रीज़न जो है कोई विश हो सकती है आपके आपके पार्टनर की विश एंड वेटिंग चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं पेनफुल सिचुएशन तो है यहाँ पे एक टैरो रीडिंग की ज़रूरत तो डेफिनेटली है जैसे मैं कई बार लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ तो उसमें क्या दिखाई पड़ता है मुझे उसमें मुझे दिखता है कि आ, सब कुछ काफ़ी बढ़िया है रिलेशनशिप आपके कमिटमेंट लेवल पे आगे बढ़ रही है इस सिचुएशन में आई डेफिनेटली सी कि आपको टैरो की हेल्प की ज़रूरत है सबसे पहले लिब्रा निकालेंगे आपकी फीलिंग्स का कार्ड देन आपके पार्टनर के लिए निकालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले लिब्रा की फीलिंग्स दिखाइए हमें गाइड्स एंड एंजल्स लिब्रा की फीलिंग वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर ओके okay, ये यहां पर दिखेगा तो ये वर्थ वेटिंग फॉर सेकेंड कार्ड निकालते हैं आपकी फीलिंग्स के लिए लिब्रा एंड वी हैव एक्सप्रेस योर लव ये दो कार्ड्स क्यों हैं ओके okay, इसके साथ ही चिपक के था रिकंसीलिएशन इस रीडिंग में बहुत एक्स्ट्रा कार्ड्स आ रहे हैं मैं दो ही निकालना चाहती थी यहाँ तीन आए यहाँ तीन निकालना चाहती थी यहाँ पे चार आए एनीवेज एक्स्ट्रा मैसेजेस आपको डिवाइन देना चाहते हैं मेरे थ्रू लिब्रा इन दिस रीडिंग सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इसको हम रखेंगे यहाँ पे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं लेट्स सोलमेट्स गेटिंग टू नो इच अदर हम्म ठीक है तो अभी ये सिचुएशन यहाँ बन रही है और कार्ड्स निकालते हैं हम चक्रा कार्ड्स एंड देन आपकी रीडिंग शुरू करते हैं हम लिब्रा लेट्स सी वॉट आर द मैसेजेस फॉर माई व्यूअर्स जो लिब्रा हैं चक्रा कार्ड्स प्लीज हेल्प अस थैंक यू टिव एंजल्स एंड गाइड्स ऑल थैंक यू फॉर दी कार्ड्स ओके फर्स्ट है वर्काहलिक ओके कुछ कुछ अभी बात समझ में आ रही है वर्थ वेटिंग फॉर वेट्स वेट वेटिंग का एलिमेंट है यहाँ वर्थ वेटिंग फॉर वर्कोहोलिक दो बार वेटिंग का एलिमेंट आया सेकेंड लेते हैं आपके लिए आइसोलेशन ओके okay. आपके पार्टनर के लिए लेते हैं कहानी बिल्ड होने लग गई है बिटर स्वीट्स एंड कंप्लेसेंसी बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ वी हैव इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का कार्ड आया मतलब यहाँ पे आप दोनों जो है एक दूसरे को पहचानते थे पहले से जानते थे एक दूसरे के साथ रहना है ये ऑटोमेटिकली आप दोनों को पता था तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज आ रहा है दिस इज अबाउट वेटिंग इस रिलेशन में कोई ज़्यादातर मुझे लगता है जो आप हैं हाँ आप जो हैं लिब्रा यू हैव बिन वेटिंग टू एक्सप्रेस योर लव यहाँ पे वेट एक्सप्रेस ना करने की वजह से चल रहा है ये वेट आपके पार्टनर भी कर रहे हैं कि कब आप खुद को पूरा एक्सप्रेस करेंगे कोई फाइट यहाँ हो सकती है बिकॉज यहाँ रिकन्सिलियेशन का भी मैसेज आ रहा है फॉर यू कोई मेजर फाइट नहीं है यहाँ पे, मेजर एंडिंग यहाँ पर नहीं है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है एंडिंग नहीं है बेसिकली ये समझ लीजिए रिलेशनशिप अभी खत्म नहीं हो रहा है चैलेंज है यहाँ पे एक डेफिनेटली बिकॉज आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो लिब्रा दैट इज द सिचुएशन आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो विद द आइसोलेशन एंड देंग्ड मैन आप अपने अंदर ही हो अपने ख्यालों में ही हो सोच रहे हो कुछ कर रहे हो जो भी कर रहे हो बट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो रोमांटिकली टुवर्ड्स योर पार्टनर अपने काम में भी ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हो क्योंकि मेरे पास है वर्कहॉलिक का कार्ड फॉर यू अभी अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सोच रहे हो कि आपकी रिलेशनशिप को थोड़े टाइम बाद उतना जिसे कहते हैं ना फुल थर्स्ट पे फुल पावर पे आप फोकस दोगे अभी उतना नहीं है दो दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू बहुत इमोशनल कनेक्ट है और आपके पार्टनर की फीलिंग्स में जो सोलमेट का कार्ड है वो भी ये बताता है कि वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ सिक्स ऑफ कप्स भी एक तरीके से सोलमेट्स का कार्ड है क्योंकि ये बताता है कि जो चाइल्डहुड वाला इनोसेंट प्यार होता है वो है ये पास्ट लाइफ का भी लव हो सकता है जो दोबारा इस लाइफ में है आपके पास विद द सिक्स ऑफ कप्स पुरानी चीज़ों का भी हो सकता है पास्ट का भी हो सकता है ये दोनों की म्यूचुअल विश है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें बट क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की आ, कमी है आपकी तरफ से सिर्फ आप ही की तरफ से नहीं इनफैक्ट जो आपके पार्टनर भी हैं उनकी तरफ है कार्ड कंप्लेसेंसी। इसका ये मतलब हुआ वो भी अपने आप को आप इस कार्ड में थोड़ा इमेज देखो अपने जो इमोशंस हैं मन में दबा के बैठे हैं एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं सैड है एक छोटा सा टीयर भी दिख जाएगा इस पिक्चर में इस लेडी की आँख के नीचे हाँ तो सैड भी है दैट इज द थिंग एंड बिटर स्वीट हो चुकी है सिचुएशन दे नो दे वॉन्ट यू दे नो वो आपके साथ रहना चाहते हैं दिस इज वॉट दे वॉन्ट डव है यहाँ पे लव का सिम्बल और सपनों में दे ड्रीम अबाउट यू योर पार्टनर लिब्रा दैट इज सो स्वीट टू नो ये जानने के बाद तो उनको एक्सप्रेस करो इतना एलेबरेट नहीं करना चाहते हो ज़्यादा अभी अपने करियर पे ही फोकस करना चाहते हो तो एक छोटा सा मैसेज ही भेजो उनको सो so दैट आप और वो दोनों तो एक सेम पेज पे हैं दोनों को पता है कि ये कहाँ जा रही है चीज़ें मुझे लगता है डायरेक्शन ही खो गई है एंड बिकॉज ऑफ़ दैट यहाँ पे हार्ट एक है विद द थ्री ऑफ सॉट्स आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन इनिशियट कर दोगे ना लिब्रा तो दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव मुझे तो यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से भी ये कार्ड है गेटिंग टू नो इच अदर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसे निकल रहे हो जो उनको पता नहीं था अभी उनको लगने लगा है कि मैं तो अलग एंगल से समझ रही हूँ तो मैं या समझ रहा हूँ ये आपके पार्टनर की सोच है कि मेरे को तो नहीं पता था ये ऐसे भी हैं तो वो आपको और समझ रहे हैं इनफैक्ट इस अंडरस्टैंडिंग से जो आपकी बॉन्ड है वो डीप हो रही है पेशेंस से और डीप हो रही है लेकिन यहाँ सैडनेस भी है विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स इसको क्योर किया जा सकता है ये कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी नहीं है कि और किया जा सकता है लोनली फीलिंग भी है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रॉर्डनरी वेटिंग सिचुएशन और कम्युनिकेशन ना चलना सो so, लिब्रा एक चीज़ और देखते हैं कि इस सिचुएशन का एंड कैसे होगा अगर आप कम्युनिकेशन अपनी तरफ से इम्प्रूव करते हैं तो हाउ कैन दिस टर्न टू बी ज़्यादा वेट मत कराना लिब्रा वाई आर यू पुटिंग योर पार्टनर इन पेन आपको क्यों उनको पेन में रखना है अगर कम्युनिकेशन करते हो तो सिक्स ऑफ विक्ट्री है इस सिचुएशन में विक्ट्री का कार्ड है मतलब दोनों एक साथ रहेंगे कोई अलग नहीं कर सकता है यहाँ पे कोई भी रिटेलिएटिंग एनर्जी नहीं है जो आपको हटा देगी सो दिस इज वेरी गुड और बॉटम ऑफ द टेक में है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स सो वेरी गुड रीडिंग इन अ वे बट यहाँ पे एफर्ट क्लियरली लैकिंग है आपकी साइड से लिब्रा ये मैसेज मैं आपको बार बार बता रही हूँ एफर्ट लैकिंग है तो लैकिंग है अब मैं ये तो नहीं बोल दूँगी ना कि जो चैलेंज है वो क्यों है मैं आपको उसकी जड़ तक पहुँचा रही हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है क्यों आपके पार्टनर ऐसा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं या ये आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं अगर इतना काम है तो थोड़ा सा बैलेंस करिए थोड़ा ब्रेक लेने में कोई परेशानी नहीं है आप वर्कहोलिक हैं अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं बट बीच में दिन में पंद्रह बीस मिनट भी अगर खुद को एक्सप्रेस कर देंगे तो थिंग्स कैन बी सो मच बेटर एंड इट इज़ वर्थ इट लिब्रा। आपकी रिलेशनशिप है ये इट इज़ वर्थ इट अगर आप डालते हैं तो, तो इस सिचुएशन में जो भी ये सीन क्रिएटेड है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं सैड हैं साइलेंट हो गए हैं तो आपको कम्युनिकेशन यहाँ पे इनिशिएट करना पड़ेगा जिससे बातचीत दोबारा स्टार्ट हो जाए एंड सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए प्यार की यहाँ पे कोई कमी नहीं है ये कोई ब्रेकअप नहीं है फाइनल पेनफुल है डेफिनेटली फॉर योर पार्टनर एंड यू resolve करने का सलूशन भी आपको बता दिया है कम्युनिकेशन चाहिए सक्सेसफुल हो जाएंगे ये भी बता दिया है आपको ही इनिशिएट करना है लिब्रा चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं आपको इनिशिएट करना है क्योंकि आपके पार्टनर तो आपके ही साइड हैं बस वो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को थोड़ा डील नहीं कर पा रहे हैं सो दिस इज इट लिब्रा फ्रॉम मी आई होप ये आपकी मदद करेगा आप जब भी देखेंगे इसे नेक्स्ट थ्री मंथ्स की ये सिचुएशन हो सकती है तो रिमेंबर काम के साथ साथ रिलेशन्स को भी इम्पोर्टेंट देनी है एंड दिस इज इट फ्रॉम मी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट सेक्शन में डेफ़िनेटली बताइएगा कैसे लगी एंड मेरे साथ प्राइवेट ट्रेडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नहीं तो ई भी कर सकते हैं Okay, bye.